इमेजिन कीजिए, दीपिका इस वक्त जो पानी पी रही है ये वही पानी है जिसमें हजारों साल पहले डायनासोर्स नहाया करते थे। चीक्स। चीक्स क्या कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, और ये वही पानी है जिसमें मेंढक टर टर करते हैं और बाकी काम भी। बाकी काम? बाकी काम मतलब नहाना धोना। कौन सा पानी दिया है मुझे? ये वही पानी है जो मैं पी रहा हूँ, तुम पी रही हो, आप पीते हैं, और दुनिया का हर इंसान पीता है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आपको भी नहीं समझ में आ रहा? ये कुछ फैक्ट्स जान लीजिए, आप सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और अब तुम छींची करना बंद करो और ये देखो। एक समय था जब पृथ्वी पर पानी नहीं था, फिर बादल बने, पानी बरसा, बन गए समुंदर, नदियाँ, तालाब, पृथ्वी को अपना पानी मिल गया और पानी में बना जीवन। लेकिन तब जब इस पृथ्वी पर पहली बार कोई जीव बना, तब जब डायनासोर का राज था, तब जब आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, तब भी यही पानी था और अब भी वही पानी। सच तो ये है कि पृथ्वी पर जो पानी और जितना पानी तब था, उतना ही पानी आज भी है और कल भी रहेगा। पानी जिसका एक निरंतर चक्र चलता रहता है। पृथ्वी को छोड़कर किसी भी ग्रह पर लिक्विड पानी नहीं। क्या बात है, पानी भाप बनता है और भाप बादल। और फिर ये बादल बरसता है और जमीन पर पानी नीचे आ जाता है। पृथ्वी पर पानी उतना का उतना ही जितना पहले था। कितना अमेजिंग है ना हमारा ये वाटर साइकिल। एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनफैक्ट पानी अपने आप में ही हैरान करने वाला है। आफ्टर ऑल पानी हमारे हर जगह है। हम इंसानों में पानी, पक्षियों में पानी, इन जानवरों में पानी, फूल पौधों में पानी, हर जगह पानी। पर तुम अपने चारों तरफ के पानी को क्यों भूल गए? चारों तरफ के पानी? अब इतना भी एग्जैजरेट मत करो। चारों तरफ पानी, हम एक साइंस प्रोग्राम में बैठे हैं। अच्छा एक काम करो, एक ग्लास और ठंडा पानी लेकर आओ। भाई टॉपिक चेंज करना ना तो कोई इससे सीखे। टॉपिक नहीं चेंज कर रही हूँ, तुम्हें अपने चारों तरफ का पानी दिखाने का इंतजाम कर रही हूँ। ऐसी बात है तो अभी लाया, ये लीजिए मैडम। हाँ तो अब इस ग्लास में पानी डालेंगे। मुझे पानी नहीं पीना है। ये पानी चारों तरफ का पानी दिखाएगा। वेरी फनी। हाँ अभी आपके सामने इसने इस ग्लास में इस बॉटल से पानी डाला, फिर भी कह रही है चारों ओर का पानी। दीपिका तुम भी ना। ग्लास के अंदर बॉटल से पानी डाला लेकिन बाहर चारों ओर का पानी। ऑफ कोर्स मुझे पता था ये हमारे चारों तरफ का पानी है। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। ओहो, टेस्ट ले रहे थे। वैसे आपको पता हो या ना पता हो, देखते हैं ये चारों तरफ का पानी। खाली ग्लास, ठंडा ठंडा पानी। कुछ ही पलों में ग्लास के बाहर पानी की बूंदें उभर आई हैं, फ्रॉस्टिंग हो गई है। ये पानी कहां से आया? ग्लास के अंदर से तो नहीं, मानो ग्लास में छेद हो। ये है हमारे चारों तरफ का पानी, हमारी हवा का वाटर वेपर, पानी का गैस फॉर्म। ठंडे ग्लास को छूने पर वाष्प की ऊर्जा कम होती है, ठंडी पड़कर वो लिक्विड पानी में बदल जाती है और हमें बूंदों जैसे दिखती है। हमारे चारों तरफ हवा है और उसमें है वाटर वेपर। वाष्प कितनी? इतनी कि वातावरण की वाष्प अगर एक साथ बरस जाए तो पूरी पृथ्वी एक इंच पानी से ढक जाए। हमारे शरीर का ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा पानी है। 3/4, फिर भी हम छलकते नहीं। छलकेंगे क्यों? हम कोई कप में डाले गए पानी की तरह थोड़ी ना है कि छलकते फिरे। इनफैक्ट पानी तो हमारे शरीर के एक एक हिस्से में है। हमारी स्किन और खून में भी पानी है, मसल्स और टिश्यूज में भी, ब्रेन, लिवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, यहाँ तक कि सभी ऑर्गन्स में पानी होता है। मतलब हमारे शरीर के हर हिस्से में पानी है, हमारी हड्डियों, यहाँ तक कि हमारे बालों में भी। इसीलिए तो हम खाना खाए बिना रह सकते हैं लेकिन पानी पिए बिना।
एक एवरेज एडल्ट के शरीर में 35 से 50 लीटर पानी होता है, समझिए पूरी की पूरी 3 बाल्टियां। शरीर के हर सेल और ऑर्गन में पानी है, ये पानी भी रिसाइकल होता रहता है। पसीने, सांस और नंबर 1 और नंबर 2 मतलब मल मूत्र के साथ, इसीलिए हर दिन 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। ऐसा ही होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है। जब सूरज की गर्मी पानी पे पड़ती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है। ये इवेपोरेट हुआ वो पानी भाप बन जाता है और फिर भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है और ऊपर जाके बन जाते हैं बादल। एक मिनट, ये बादल कैसे बनते हैं? पानी भाप बनकर ऊपर 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 स्पेस में क्यों नहीं उठ जाता? हमारा पसीना हो या हो हमारी सांस की वाष्प, पत्तियों की सतह की बूंदे हो या जमीन पर रुका पानी, पृथ्वी पर पानी की हर एक बूंद वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। हर बूंद एक ना एक दिन किसी बादल का हिस्सा बन जाएगी। हम बिल्कुल तैयार हैं वाटर साइकिल का मॉडल बनाने के लिए। मान ले कि ईंटें पर्वत हैं, सफेद प्लाईबोर्ड हमारी भूमि जमीन, नीली ट्रे है समुन्दर और ऊपर रखा कांच है वातावरण। समुन्दर मतलब नीली ट्रे में डालते हैं गर्म पानी, ये पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा है। अब ये टकराता है ठंडे कांच से मतलब वातावरण से और देखिए क्या होता है। बारिश जो टपक रही है हमारे सफेद बोर्ड पर पृथ्वी पर और आखिरकार जाकर मिल रही है समुन्दर में, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सूरज की गर्मी से पानी वाष्प में बदलता है और हल्का होकर ऊपर हवा में मिल जाता है। वाटर वेपर दिखाई नहीं देता, ये वातावरण में ऊपर उठता जाता है और ठंडा पड़ता है और फिर पानी की बूंदे बन जाता है। यही तो बादल है। जब बादल में बूंदे भारी हो जाती हैं, तो बारिश होती है। वैसे भाप भी स्पेस में नहीं उड़ती, पृथ्वी की ग्रेविटी अपने सब पानी को रोक कर रखती है। भाई मुझे तो नहीं पता था कि हमारी केटू चीटिंग भी करती है। इसका मतलब ये है कि केटू ने ये तो दिखा दिया कि वाटर साइकिल कैसे बनती है, लेकिन ये नहीं दिखाया कि बादल कैसे बनते हैं। हमसे कहा अपनी अकल लगाओ और एक बादल बनाओ, तो लगाते हैं अपनी अकल और अपने लिए बनाते हैं एक बादल। अपने लिए बादल बनाए तो कैसे, लगाते हैं दिमाग। बोतल में भरा है गर्म पानी, उसमें रंग की कुछ बूंदे, भाप तो बन रही है। अब एक माचिस को जलाते हैं पानी के ऊपर और गिरा देते हैं अंदर, ये हो गई धूल। अब ठंडा करने की तरकीब, देखिए कैसे बादल बन रहा है, पानी की बूंदों से बना बादल। क्या आप जानते हैं कि बादल में पानी की बूंदे इतनी छोटी होती हैं कि कोई 10 लाख मिले तब जाकर बारिश की एक बूंद बनती है, लेकिन एक एक बादल का वजन कई टन हो सकता है। अरे बाबा रो नहीं रही, आंसू कलेक्ट कर रही। अब आपके सवालों के जवाब तो ढूंढने पड़ेंगे ना मुझे। ईमेल किया है अर्जुन रावत ने, पूछते हैं कि बारिश की बूंदों का शेप क्या होता है, मतलब रेन ड्रॉप्स का शेप क्या होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे ये भी कोई सवाल है भला, आंसुओं जैसा होता है। लेकिन मैं कहूंगी कि इस सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल गलत। छोटी बूंदे, वो जिनका रेडियस 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, बिल्कुल गोल होती है, गेंद जैसी, स्फेरिकल। पानी की सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव उन्हें ये गोल आकार देता है। लेकिन बड़ी बूंदें बर्गर के बन का आकार लेती हैं। यहाँ पानी की सरफेस टेंशन ऊपर उठ रही हवा के दबाव से हार जाती है, बड़ी बूंद हो जाती है नीचे से चपटी। तो अगली बार बर्गर या फिर वड़ा पाव खाते समय बारिश की
मोटी मोटी बूंदों को मत भूलिए। और याद रखिए कि पानी की एक एक बूंद बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद से बनती है नदी। इसीलिए हमें पानी बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब हम आपको जल्दी से बाय।